हेलो एवरीवन, अभी अभी यहाँ पे एक प्रेस नोट आया हुआ है वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से। काफी हेल्पफुल हैंड की तरह इन लोगों ने एक न्यूज प्रोवाइड किया हुआ है। कोविड 19 के चलते हुए यहाँ पे प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में लिखा हुआ, कोविड 19 विषाणूच्या संसर्गामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या पालकांबाबत। यानी इस कोविड 19 के चलते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दोनों भी पेरेंट्स इस कोविड 19 वायरस के वजह से डेथ हो गई होगी। तो ऐसे बच्चों का क्या? तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पर वसई विरार महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी किया हुआ है। इस प्रेस नोट में उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि जिस बच्चे के जो भी पेरेंट्स कोविड 19 की वजह से जिनका निधन हो चुका है, जिनके डेथ हो चुकी है, तो उनके लिए वीवीएमसी गवर्नमेंट ने एक हेल्पिंग हैंड की तरह एक प्रेस नोट निकाला हुआ है, जिसमें उन लोग ने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कोविड 19 या विषाणूचा वाढलेला संसर्ग व त्यामुळे बाधित व्यक्तींचे वाढलेले मृत्यूंचे प्रमाण विचारात घेता त्याचा बालकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होतो। तो वसई विरार महानगरपालिका के जो भी हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ है कि जिस भी बच्चों के इनके जीवन पर कोई गंभीर परिणाम ना हो, मतलब वो जिन ऑब्वियस है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होंगे तो उन बच्चों पे गंभीर परिणाम हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन लोगों ने एक प्रेस नोट है जिसमें आगे लिखा है, कोविड 19 विषाणूच्या संसर्गा में दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने, यानी जिनके दोनों भी माता पिता उनका निधन हो चुका है और जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं और उनकी उम्र 18 वर्षाखालील यानी 18 साल के नीचे होनी चाहिए, गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे, अशा बालकांचे यथायोग्य संगोपन होने आवश्यक असल्यामुळे, और जो ऐसे बच्चे होंगे उनका जो भी है संगोपन यानी उनकी परवरिश, उनका जो पढ़ाई लिखाई है, जो भी उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है, उन सबके लिए ये एक नोट निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा है, आवश्यक असल्यामुळे वसई विरार शहर महानगर पालिका हद्दीतील नागरिकांना कळवण्यात येते की कोविड 19 संसर्गामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची माहिती महिला व बाल कल्याण विभागातील खालील नमूद अधिकारी वर्ग यांच्याशी संपर्क साधून देण्यात यावी किंवा mbk.vbmc@gov.in या ईमेल पर ही माहिती देता है। यानी जिस बच्चे के बारे में अगर किसी को पता है तो वो यहाँ पे जो 3 नंबर दिए हुए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारे पास एक ईमेल आईडी यहाँ पे भी हम लोग मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा स्टेप किया हुआ है इन लोगों ने, वसई विरार महानगर पालिका ने, जो हमारे यहाँ के जो भी अनाथ बच्चे होंगे उनको एक अच्छा सपोर्ट हमारी वसई विरार महानगर पालिका ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक एड्रेस दिया हुआ है, तो ये जो है प्रभाग समिति सी पहला मजला विरार ईस्ट, यहाँ पे भी आप जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 नंबर है, श्री प्रकाश यादव वरिष्ठ लिपिक है, श्रीमती रूपाली संके है वरिष्ठ लिपिक, और एक चाइल्ड केयर का जो हेल्पलाइन नंबर है 1098, यहाँ पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी इसकी जरूरत होगी, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही हमारा मकसद था कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे जिनको भी ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सब लोगों से मेरी यही हेल्प है, सब लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि ये हेल्प, ये जो भी प्रेस नोट आया हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूल। थैंक यू एवरीवन।